कजा को रोक देती है दुआ रोशन जमीरों की। संत चाह ले तो विधाता के लेख को भी पलटना पड़ जाता है। जब बहुत रो रहा था, बड़ा दुखी हो गया, तो महात्मा ने सोचा कि भई ऐसे मानेगा नहीं, जब तक इसको ठोकर नहीं लगेगी तब तक इसको अकल न आएगी। एक फल मंत्र पढ़ करके दे दिया कि लो, नहीं मानते हो तो लो, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, मेरा पीछा छोड़। और सुन, कहना अपनी पत्नी को, एक वर्ष तक सदाचार से रहे, संयम से रहे, सत्य बोले, मिथ्या आचरण न करे, सत्य आचरण करे, भगवान की खूब पूजा पाठ करे, गरीबों को दान दक्षिणा करे, किसी का दिल न दुखाए और खूब भगवान का भजन करे, तो एक वर्ष के बाद जा, मेरा आशीर्वाद है, तेरे घर एक बहुत संस्कारवान पुत्र जन्म लेगा, जा ये फल दे देना। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, लाकर अपनी पत्नी को फल दे दिया। सनोजी, पता है आज एक बाबा जी मिले थे, उन्होंने फल दिया है और कहा है इसको खाने के बाद एक वर्ष तक नियम का पालन करोगी तो हमारे घर में बहुत अच्छी संतति होगी। अब पत्नी को देख करके ब्राह्मण चला गया और उसकी पत्नी जो है ना, वो नहीं चाहती थी कि मेरे घर में पुत्र हो। ये बड़ी उल्टी गंगा थी। ब्राह्मण को तो बड़ी लगी रहती थी कि हमारे घर पुत्र हो, घर वाले की कोई इच्छा नहीं होती। उसने सोचा न तो हो अच्छा तो है, कौन झंझट पाले। हाँ, वैसे भी मैंने सुना है कि जब माताओं के गर्भ में बालक आ जाता है, ये धुंधली की सोच है। हाँ, कि जब माताएं सगर्भा हो जाती हैं, पेट बड़ा हो जाता है, पेट में जगह कम हो जाती है, भूख भी नहीं लगती है, सही से खाया पिया भी नहीं जाता है, और जो खा भी ले तो बच्चा जो पेट में है उसको चला जाता है, मैं तो कमजोर हो जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, ये झंझट पालना ही नहीं है। और मैंने सुना है जिस स्त्री के पेट में बच्चा जाता है वो दौड़ भी नहीं पाती है। अब मान लो कभी ऐसा हो जाए घर में आग लग गई तो सब तो दौड़ कर भाग जाएंगे, मैं जलकर मर जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, ये फल खाने जैसा नहीं है, ये सब उल्टा उल्टा सोच रही। और आखिर में उसने वो फल गौ माता को खिला दिया और उसी समय उसकी बहन आई तो अपनी बहन से उसने कहा कि देख, तेरे पास तो बहुत बच्चे हैं, चार तेरे पीछे पीछे चलते हैं, दो आगे आगे चलते हैं, एक गोद में भी रहता है, और अभी अभी मैंने सुना है पेट में भी तेरे एक बच्चा है, कितने सारे बच्चे हैं। तो देख, एक काम करना, ये जो पेट में बच्चा है, अब की बार ये बच्चा हो तो मुझे दे देना, मैं तुझे बदले में खूब सारा धन दे दूंगी, तेरा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। तो उसकी बहन थोड़ी लालची थी, उसने कहा हाँ बहन, ऐसा ही होगा। और अपने पति से उसने कह दिया कि हाँ मैंने फल खा लिया। अब हुआ ये, संत का आशीर्वाद झूठा तो होता नहीं। कुछ समय के पश्चात गौ माता के गर्भ से एक बड़े ही सुंदर बालक का जन्म हुआ, नाम है उसका गौकर्ण। कान बड़े बड़े थे गौ माता की तरह, इसलिए नाम रखा गौकर्ण। और जब उसकी बहन को बेटा हुआ तो रात्रि में चुपके से लाकर उसने अपनी बहन को दे दिया और धुंधली ने ब्राह्मण देव को बता दिया, अजी सुनते हो, देखो मेरे भी घर में बालक आ गया, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, देखो हमारी भी गोद भर गई। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, महात्मा को खूब धन्यवाद दिया, वाह मालिक आपकी कृपा से मेरी भी गोद भर गई और हमारी गौ माता को भी एक संतान प्राप्त हो गई, आप कितने दयालु हैं मालिक। बड़े खुश हुए। धीरे 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 दोनों बच्चे बड़े होने लगे। धुंधली ने कहा सुनो, एक बच्चे का नामकरण आपने कर दिया, अब इसका नामकरण मैं करूंगी। ब्राह्मण ने कहा अच्छी बात है, तू ही कर ले, क्या नाम रखेगी। धुंधली ने कहा
मेरा नाम धुंधली है ना, तो मेरे नाम से मिलता जुलता ही इसका नाम होना चाहिए, इसका नाम होगा धुंधकारी। पंडित ने कहा ये कैसा नाम है धुंधकारी, बोले मैं तो ऐसे रखूंगी। पंडित ने कहा ठीक है चल यही रख ले। इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद पुत्र आया है, जो मर्जी नाम रख लो हाँ। इतने सालों के बाद जब बच्चा घर में जन्म लेता है तो कई लोग अपने अपना नाम रख लेते हैं ना, कोई छोटू कहता है, कोई मोटू कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सब अपना अपना नाम रख लेते हैं। बुआ जी अलग नाम देती हैं, मौसी जी अलग नाम देती हैं, दादी माता अलग नाम देती है हाँ, ताऊ जी अलग नाम दे देते हैं। पंडित ने कहा ठीक है चल यही नाम, धुंधकारी ही सही। अब हुआ ये कि बचपन से ही दोनों में बड़ा अंतर हो गया। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गौकर्ण महाराज तो अच्छे पंडित बने, लेकिन धुंधकारी एक नंबर का दुष्ट। बचपन से सारी बुरी आदतें उसमें आ गई, जुआ खेलना, शराब पीना, गलत स्त्रियों का संग करना, ऐसी सारी बुरी आदतें धुंधकारी में। शास्त्र कहते हैं मेरे भाई बहन, हमारे जीवन को बिगाड़ने का काम करता है कुसंग। बाबा तुलसी भी मानस में कहते हैं, हानि कुसंग सुसंग तिलाहु, हानि कुसंग सुसंग तिलाहु, हानि कुसंग सुसंग तिलाहु, हानि कुसंग सुसंग तिलाहु। कुसंग से सर्वथा हानि ही होती है सर। जीवन को बचाना है, छोड़ो कुसंगति, अच्छी संगति कर। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, 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 ईच ही मिलहि नीच संगा, ईच ही मिलहि नीच जल संगा, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा। पवन के प्रसंग से मिट्टी भी ऊपर उड़ जाती है हाँ, ये संगति का प्रभाव है। और वही मिट्टी जल की संगति कर लेती है तो कीचड़ बन करके जमी पर रह जाती है, ये संग दोष है। इन बातों को जरा दिल में उतार कर चलो प्यारे। गलत व्यक्ति की संगति कब तुम्हारे जीवन को बिगाड़ देती है तुम्हें पता भी नहीं चलता है। संग का बहुत बड़ा दोष है, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। इसलिए कुसंग से बचो। नारद भक्ति सूत्र में भी नारद जी ने कहा, दुसंग सर्वथैव त्याज्य। कुसंग का तो त्याग ही होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में कुसंग बर्दाश्त करें। अपने बच्चों को कुसंगति से दूर रखो, खुद भी हम कुसंग से बचें। कुसंगति के कारण धुंधकारी दुष्ट हुआ। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, गौकर्ण महाराज बड़े अच्छे पंडित बने। अब हुआ ये कि पिता का कमाया हुआ सारा धन धुंधकारी जुए में बर्बाद करने लगा। कितने दिन तक सहते ब्राह्मण देव, एक दिन बुलाकर समझाया, बेटे मेहनत की कमाई है क्यों बर्बाद करते हो, धन ऐसे तो नहीं कमाया जाता, बहुत मेहनत लगती है बेटे,
अब हमारा भी शरीर बूढ़ा हो रहा है और तो कमा ना पाऊंगा, कम से कम जो कमाया है उसको गंवाओ तो मत, खुद तो कमाते नहीं हो, हमने जो कमाया है उसको भी गंवाए जा रहे हो, तुम्हारे लिए ही तो एक कमाया गया है ना। समझाया आत्मदेव ने, बुद्धि बिगड़ी हुई थी, कुसंग का दोष सिर पर चढ़ गया था, आज अपने पिता की ही गर्दन पकड़ी कि मुझे धन देने से मना करता, और पिता को जमीन पर पटक कर पग प्रहार किया अपने पिता के पैरों से मार, और चाबी लेकर के सारा धन निकाल लिया जितना चाहिए था लेकर चला गया। आज जब धुंधकारी से मार खाई तब ब्राह्मण देव के आंख में अश्रु आए और वो महात्मा की कही हुई एक एक बात याद आई, कितना समझाया था उस महात्मा ने मुझे, मैंने नहीं मानी उन महात्मा की बात। ये आज का दिन मुझे देखना था। आपको नहीं लगता कि कभी कभी महापुरुषों की समझाई हुई बात हमको बहुत लेट समझ में आती? हाँ, अपनी जिंदगी से जोड़कर आप देखें, हम लोगों के भी जीवन में कई बार ऐसे समय आते हैं महापुरुषों की कोई समझाई हुई बात बहुत लेट में हमको समझ में आती है, तब हम भी सोचते हैं कि काश उस वक्त उनकी बात में मान लिया होता, लेकिन अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, बाद में रोने का कोई अर्थ नहीं रह जाता साहब, इसलिए महापुरुष लोग जो कहें एक एक अक्षर को ध्यान से सुनो, डायरी में नोट करते चलो और प्रतिपल उन सूत्रों को पढ़ो, स्मरण करो, ऐसे अभ्यास करते चलो, जीवन की बहुत बड़ी हानि से बच सकते हो साहब। कथा में आप आते हैं ना, और यहां व्यासपीठ से जो भी शब्द आपको अच्छी लगे उसको नोट करते चलो, वरना तो आप 3 घंटे बाद जब कथा सुनकर जाते हैं तो सब यहीं छोड़कर जाते हैं। अगले दिन जब लौटते हैं तो बिल्कुल खाली हो करके, बिल्कुल फ्रेश हो करके, नहीं, सूत्रों को जीवन में नोट करते चलो, क्योंकि व्यासपीठ से मैं नहीं बोलता हूं, यहां से तो भागवत जी बोलते हैं साहब, ये कोई चिन्मयानंद बापू का लेक्चर नहीं है, चिन्मयानंद बापू के शब्द नहीं है। कई बार मैं अपनी ही कथा सुनता हूं ना तो ऐसे डूब जाता हूं, भूल ही जाता हूं कि मैंने ही बोला है, क्योंकि हकीकत में यहां बैठकर मैं नहीं बोलता हूं, यहां तो परमात्मा जैसे बुलवा देते हैं, मेरा मुंह जरूर है लेकिन शब्द मेरे नहीं हैं, शब्द तो भागवत जी के हैं, परमात्मा के वचन हैं साहब, शब्द मेरे नहीं। आप कल मुझे कहो कि बापू आपने जैसे कल बोला था वैसा ही बोलिए, तो नहीं होगा मेरे से, क्योंकि मैं कोई रट कर नहीं आता हूं, कोई प्रैक्टिस करके नहीं आता हूं, ये तो ईश्वर की मर्जी है, जो शब्द निकल गए सो निकल गए, इसलिए इन सूत्रों को नोट करते चलो, बहुत काम आते हैं साहब ये सूत्र। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के यूट्यूब चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।